हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे मैजिकल प्लांट के बारे में बताऊंगी जो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस को रिमूव कर देता है, और इस प्लांट को हमें अपने घर में कोशिश करनी चाहिए कि लगा ही लें। तो हमने तो बहुत सारे प्लांट लगाए हैं घर के अंदर भी, मैंने 7-8 जगह इसको रखा हुआ है। तो ये मैजिकल प्लांट हमारा है पोथोस। पोथोस का कोई भी वैरायटी आप लगाइए, सबका काम एक ही, सबका बेनिफिट एक ही, मतलब एक ही तरह से करते हैं सब। नहीं कि कोई अलग पोथोस लगा दिया तो उतना फ़ायदेमंद नहीं है। कोई भी पोथोस लगाइए आप, मनी प्लांट भी लगाइए, नियॉन पोथोस लगाइए या ये वेरीगेटेड पोथोस लगाइए, सब जो है हार्मफुल गैसेज जो हमारे घर में होती हैं या हमारे आसपास होते हैं आसपास के एटमॉस्फेयर से, उसको रिमूव कर देते हैं। और कितने सारे हार्मफुल गैसेस होते हैं जो हमें पता ही नहीं है, हमारे घर के अंदर मौजूद होते हैं, तो उसको हम तो वेंटिलेटर से या एग्जॉस्ट फैन से हटा तो नहीं सकते हैं रिमूव, लेकिन एक ये मैजिकल प्लांट है, हम इसको मैजिकल प्लांट ही कहेंगे इसके फ़ायदे जानने के बाद। तो इसे अवश्य लगाएं, देखिए आपके एटमॉस्फेयर घर का माहौल बहुत अच्छा लगेगा और पीसफुल रहेगा। हमें तो बहुत आनंद आता है, माइंड एकदम शांत रहता है, देख के बहुत अच्छा महसूस होता है। तो इसके सबसे फायदे तो ये हैं कि आप इजी मेंटेनेंस है, कोई लो मेंटेनेंस है, कुछ नहीं करना है आपको। इसको मिट्टी में लगा देंगे तब भी ये प्लांट खुश रहता है, पानी में लगा लेंगे तब भी ये प्लांट खुश, दोनों तरह से ये आराम से इजीली ग्रो हो जाता है। आपकी चॉइस है आपको कैसे लगाना है। तो सबसे पहले तो ये लो मेंटेनेंस है, और सेकंड सबसे ज़रूरी जो होता है प्लांट्स के लिए वो भी इसको नहीं चाहिए, ये विदाउट सनलाइट भी ग्रो हो जाता है। आप अंदर कहीं भी रखिए इजीली ग्रो हो जाएगा, इसको सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप पानी में भी रखेंगे ग्रो हो जाता है, तो ये विदाउट सनलाइट भी ग्रो हो जाता है। ये वर्सेटाइल प्लांट है, आप इसे कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहला तो आप मिट्टी में लगा सकते हैं, दूसरा पानी में लगा सकते हैं, तीसरा आप इसे जो है अपने सेंटर टेबल पे यूज़ करिए, कैबिनेट पे यूज़ करिए, आप इसको हैंगिंग में यूज़ कर सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। बहुत बेस्ट प्लांट है। सबसे बेस्ट पार्ट तो इसका है फेंग शुई, और वास्तु के अनुसार इसे बहुत लकी प्लांट माना गया है। तो इसे तो लगा ही सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए अपने घर में मनी प्लांट लगा ही लें। और प्लस ये बहुत सारे जो हार्मफुल गैसेस होते हैं उसे रिमूव करता है, जैसे कि बेंजीन हुआ। बेंजीन ये स्मोक से निकलता है और इंडस्ट्री से निकलता है, व्हीकल से जो धुआं निकलता है, ये सब बेंजीन प्रोड्यूस करते हैं, निकालते रहते हैं। तो ये जो गैसेस हैं बहुत हार्मफुल होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब कर सकता है, हमारे नर्वस सिस्टम को ख़राब कर सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए पोथोस लगाएं, पोथोस बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे लगाइए और अपने घर में हार्मफुल गैसेस को रिमूव करिए। बेंजीन हुआ, फिर फॉर्मेल्डिहाइड भी बहुत हार्मफुल है। तो ये तो पेंट से, ग्लू से, डिटर्जेंट से और फर्नीचर के वैक्स से भी निकलते रहते हैं। तो एक फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ज़ाइलिन हुआ, टॉलविन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बच्चों को बहुत हार्मफुल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से आपको आँखों में इफ़ेक्ट पड़ता है, नाक में, थ्रोट में, सब में आपको इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे ख़राब बात इसकी है कि इन्फेंट को या जो बच्चे अभी अनबॉर्न हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को भी रिमूव करने में फ़ायदेमंद है, बहुत आराम से रिमूव कर लेता है। तो इसके गुण हैं, ये नासा ने प्रूव किया है, तो आप नासा के कहने पर लगा लीजिए, लेकिन ये पोथोस अवश्य लगाइए। और देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लगता है, ये अट्रैक्शन तो इसमें है ही, तो इसको आप लगाइए। बहुत सारे गैसेस और भी हैं जिन्हें ये रिमूव करता है, हमें स्वस्थ रखता है। तो जैसे घर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं उससे भी बहुत सारे गैसेस निकलती हैं, उन सब गैसेस को भी ये रिमूव करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पोथोस ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, लगाइए, देखिए कितना अच्छा लगता है।
एटमॉस्फेयर आपका अच्छा रहेगा। और क्या चाहिए आपको? सबसे प्लस पॉइंट है इजी, लो मेंटेनेंस है। तो हम अपने घर के पोथोस दिखाती हूँ, मैंने तो बहुत सारे पोथोस लगा रखे हैं। ये देखिए, ये छोटे से पॉट में मैंने लगाया है, हैंगिंग में लगा के रखा हुआ है। ये देखिए, पोथोस काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। कम मिट्टी होती है इसमें, इसमें पानी भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है, तो इसे लो मेंटेनेंस प्लांट इसीलिए कहा जाता है इसे। ये देखिए, हिनियोन पोथोस और साथ में ये वेरीगेटेड पोथोस, दोनों मैंने साथ में लगाया हुआ है। ये नियोन पोथोस मैंने इसको केवल कोकोपीट पे लगाया है, कितने आराम से देखिए, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये हमारा मनी प्लांट है, ये काफ़ी पुराना है। ये मनी प्लांट हमारा लगभग 5-6 साल पुराना होगा। तो इसको मैंने देखिए, ये मेरा मिठाई का डब्बा है, इसके अंदर मैंने बॉटल रखी हूँ, ये पानी में ग्रो किया है। 2 बॉटल रख दिया और इसमें पानी भर देते हैं, वीकली चेंज कर देते हैं, प्लांट्स को भी धुल देते हैं 15 दिन में या महीने में। और ये देखिए, 2 बॉटल रखी हुई हैं इसमें, तो इसको इसके अंदर रख दिया, कितना खूबसूरत पॉट तैयार हो गया। ये मेरा 5-6 साल से यहीं पर रखा हुआ है, ऐसा ही है। और इसमें ग्रोथ भी होती है, देखिए ये ग्रोथ भी होती है, स्लो होती है लेकिन होती है ग्रोथ। देखिए, क्योंकि यहाँ सनलाइट भी इसको मिल रही है, तो ये इसमें ग्रोथ होती है। ये मैंने डाइनिंग एरिया में यूज़ किया है, अभी हम आपको किचन का देखिए। किचन में मैंने फ्रिज के ऊपर रखा हुआ मनी प्लांट, तो किचन में मैंने 2 जगह यूज़ किया है मनी प्लांट, एक ये फ्रिज के ऊपर रखा है, एक विंडो के ऊपर है। दिखा, ये हमारा किचन का विंडो है, तो विंडो के कॉर्नर पर मैंने रखा है। ये जार था हमारा, यूज़ नहीं हो रहा था, तो इसमें मैंने पानी भर के मनी प्लांट लगा दिया। देखिए, आपको किचन में इसको मनी प्लांट को लगाना चाहिए, अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि किचन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज़ होते हैं, और गैस भी, गैस चूल्हा भी जलता है, तो उसमें उससे भी जो गैसेस निकलती हैं उन सबको रिमूव करता है। तो मैंने किचन में 2 जगह यूज़ किया है। ये देखिए, मैंने इसका वीडियो भी बनाया है, कैसे आपको पानी में मनी प्लांट ग्रो करना है ताकि वो घना लगे, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इसको मैंने ऐसे डेकोरेट किया है, ये मार्बल की गोलियां डाल के। तो देखिए, ग्लास है, तो ये मैंने अपने सेंटर टेबल पे, डाइनिंग ड्राइंग रूम में यूज़ किया है। और ये पोथोस देखिए, ये मैंने टीवी कैबिनेट पे यूज़ किया, रखा हुआ है, ये दोनों कॉर्नर पे रखा है, एक लेफ्ट में एक राइट में। ये देखिए, ये मेरा ये बोल है, बोल में एक ग्लास, ग्लास में पानी डाल के मैंने ऐसे लगा रखा है। इसमें पानी फिल कर देते हैं, या तो कभी कभी चेंज भी कर देते हैं 15 दिन महीने भर में, और प्लांट भी धुल जाता है चेंज करने पे। ये देखिए, मैंने ये मनी प्लांट हैंगिंग में यूज़ किया, लगाया हुआ है, पानी है इसमें। इस शिल्प मेला से ये वाले पॉट लाए थे हम, इसमें पानी में मैंने ग्रो किया है, तो ये हैंगिंग में काफ़ी खूबसूरत लगता है। विंडो के पास है, एंट्रेंस के जगह पर, तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। प्लस इसके फ़ायदे तो मैंने अभी बताया, कितने सारे गैसेस को रिमूव करता है, जो हम को हार्मफुल है, हमारे लिए हार्मफुल है, काफ़ी हार्मफुल है, तो इस वजह से भी आप लगा सकते हैं। और तो बहुत सारे कारण हैं लगाने के, लो मेंटेनेंस है और फिर देखने में बहुत अच्छा लगता है। एक तो वर्सेटाइल प्लांट है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, स्टडी रूम में, बेडरूम में, सेंटर टेबल पे, किचन में। ये देखिए, मैंने ये पार्किंग एरिया में यूज़ किया है, ये हैंगिंग में लगाया हुआ है इसको, ये पोथोस, ये काफ़ी लंबा हुआ है। ये वेरीगेटेड मनी प्लांट मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, ये भी हैंगिंग में है, पार्किंग एरिया में ही। तो ये सब काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, सबसे इसी मेंटेनेंस है, ज़्यादा पानी की भी ध्यान नहीं देना, खाद का भी नहीं ध्यान देना है। आप इसे आराम से कहीं भी लगा सकते हैं, छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने कितने से छोटे से, ये डिटॉल का डब्बा है, इसको मैंने काट के इसमें ये वेरीगेटेड पोथोस लगाया, जैसे देखिए इसमें ग्रोथ भी हो रही है। अब आराम से कहीं छोटे से छोटे बॉक्स में लगा सकते हैं, वैसलीन के डब्बे में, या ये देखिए मेरा ये मिठाई का डब्बा था, तो इसमें लगा सकते हैं वेरीगेटेड पोथोस। ये सब काफ़ी इजिली ग्रो हो जाता है, इसलिए आप इसको छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं मिट्टी में कैसे लगाना, पानी में लगाने वाला तो मैंने एक वीडियो बनाया, उसको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
अब मिट्टी वाला भी आप एक बार देख लीजिए, ये मेरा देखिए हैंगिंग पॉट है, इसको मैं रेलिंग पे रखने के लिए लगा रही हूँ, इस पर काफ़ी खूबसूरत लगता है रेलिंग पे। तो देखिए ये होल पे जो है ये गमले का टुकड़ा रख दिया ताकि ड्रेनेज अच्छे से रहे, और फिर इसमें मिट्टी फिल कर दीजिए। मिट्टी फिल करके आप इसका टुकड़ा पहले से तोड़ लीजिए, मनी प्लांट का देखिए काफ़ी इजली टूट जाता है ये, दिखाते हैं आपको। इसको आप उंगली से भी काट के लगा सकते हैं, इसका इसको काटना यहाँ से है, जैसे जहाँ से इसकी गांठ बनी होती है इसके ऊपर से, गांठ के ऊपर से आप काटेंगे तो ये, आप कहीं भी काट, कहीं से भी काट दीजिए, इसको होना ही होना है, बहुत इजली ग्रो हो जाता है, तो आप इसको कहीं से भी काट दीजिए हो जाएगा। आप देखिए इसको आप ऐसे लगा सकते हैं, इसकी लीफ नीचे की तोड़ के, लीफ नीचे की तोड़ के आप ऐसे खड़ा करके लगा सकते हैं ऐसे, और आप ऐसे लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ केवल ऊपर से होगी। और दूसरे चांसेस हैं इसको जो है आप ऐसे लटा के लगाइए, लटा के लगाने पे पहले से गमला देखिए आपको भरा भरा लगने लगेगा, और इसमें कई सारे चांसेस हो जाएंगी इसके नए नए लीफ आने के। एक तो यहाँ से हो जाएगा जहाँ से मैंने काटा था, और ये यहाँ से तो हो गई, और नॉट जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ से भी होने के चांसेस होते हैं आप अगर ऐसे लगाते हैं तो। तो हम तो ऐसे ही लगाते हैं तो जल्दी से गमला भर भी जाता है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इस तरह आप मनी प्लांट को लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।